बिरहा गायक जयप्रकाश यादव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, आप सबके बीच में एक समाजवादी गीत भेज रहा हूं। एमडी म्यूजिक के सौजन्य से हमारे बड़े भाई अजीत यादव जी के देखरेख में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे समाजवादी पार्टी के शानदार कलाकार और नेता भाई राजेश यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। दूसरे हमारे समाजवादी साथी राजेश यादव, संदीप यादव, भाई जयराम यादव पहलवान, राकेश यादव जी सियाराम सिक्योरिटी, आप सभी साथियों का जो समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन जनता के बीच में जाके काम किया करते हैं, हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में पार्टी के हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के शानदार साथी हमारे मित्र भाई रमेश लाल यादव, करंट मैटर विधायक है गाजीपुर जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। भाई ब्रजेश यादव जी और बिरहा की समाजवादी पिछड़े समाज की राजभर समाज की बेटी मीनाक्षी राज जी उपस्थित है, आपका भी सम्मान है, स्वागत है सभी साथियों का। ए भैया आज चुनाव चलत बा, जनता साफ साफ इन झूठों की सरकार से, भाजपा की जुमलेबाज सरकार से एकदम त्रस्त हो गई है। चारों तरफ महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बलात्कार का आलम पूरे देश और प्रदेश में है, लेकिन भारत के और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के फैसले का सवाल है। आज कोने कोने से आवाज आ रही है, हर जात धर्म के लोग सोच रहे हैं, जो नौजवानों की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की मान और सम्मान हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो सारे लोग चाह रहे हैं गीत में कहना बा, चाहत बा परदेश के, चाहत बा परदेश के, आवे अखिलेश हो, चाहत बा परदेश के, आवे अखिलेश, नेता जी के लाल कटिया, नेता जी के लाल कटिया, सगरी कलेश के, चाहत बा परदेश के, आवे अखिलेश हो, चाहत बा परदेश के, बाबा मुख्यमंत्री हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली है भाजपा सरकार, कहने के लिए जोगी है, जोगी का वस्त्र धारण किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन इस जोगी के वस्त्र को भी गंदा करने का काम किया करते हैं हिंदू मुस्लिम, जो भारत की एकता और अखंडता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा के बर्बाद करने का काम करते हैं इन लोगों का। कवन काम बा कलमदारी खाली जीवा जरावे, पार्टी का गठबंधन और आरएलडी का गठबंधन जो हुआ है, बाबा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी है गर्मी उतर जाएगी, लेकिन याद रखना
ये लोकतंत्र के अंदर आप जो गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, हमारा चुनाव आयोग भी चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा तरफ देश की कुर्सी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री 15 लाख देने का वादा किया, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों को हवाई जहाज में उड़ाने का वादा किया। लेकिन साथियों, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोई देश में कंपनी नहीं लगाया, बल्कि सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, BSNL हो, दूरसंचार को, तमाम सारी चीजों को बेचने का काम किया है। ऐसे में हमारे नेता ने गरीब जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए, बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव करके एक शानदार ऐलान किया है। कहना बा 300 इंच बिजली बस पके परियोजन, फ्री दी जाएगी पूरे प्रदेश में, यह हमारे नेता का वादा है। और जो जो भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, लोगों ने जो वादा किया उसका पूरा करने का काम किया है। शिक्षा मित्र जो हमारे बेरोजगार बन करके सरकार से मांग रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनको भी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, ऐसा वादा हमारे नेता का है। तो कहना बा निवेदन है हर जात के नौजवानों से, आज जो नौजवान भर्ती की आस लगा करके कोरोना काल में पढ़ाई से भी शिक्षा से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। आप लोगों से एक अपील है, शानदार अपील है, कवि जी ने लिखा है, कवि संतोष आई सब वाली पारी, समाजवादी पेंशन 1500 रुपए हमारी सरकार बन रही है, आप इसमें एक कदम बढ़ा करके साथ दीजिए। सरकार बनाने में महिलाओं को दिया जाएगा, जो देश की आधी आबादी है सम्मान किया जाएगा, यह हमारे नेता का वादा है। महिला पे है पेंशन